हेलो एवरीवन, मैं दीपा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बाग बगीचा पैशन में। आज एक खूबसूरत सी सुबह के साथ, जहाँ मौसम बहुत शानदार है, सुबह से ही बारिश हो रही है और ये मौसम की पहली बारिश है। मैं इस बारिश को बहुत इंजॉय कर रही हूँ, मेरे प्लांट्स भी इसे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को भी ये बहुत पसंद आ रही होगी। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप शिवाय से मिलेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी बदमाशियां करता है, और उसके सामने यहाँ एक छोटा सा प्रैंक किया गया है, आप जिसे देख सकते हैं। अभी वो टीवी में पूरा मस्त है, टीवी देख रहा है, और उसके मासा जी आके लॉलीपॉप्स ऐसे गिरा देते हैं जैसे वो जानबूझ के नहीं, वो अपने आप से ही गिर गई होंगी। और आगे का सीन तो आप देख ही सकते हैं। But I'm afraid to forget. I'll think of you when I fall asleep in my bed. और शिवाय को लॉलीपॉप से बहुत बहुत प्यार है, उसे बहुत पसंद है, वो शेयर भी नहीं करता है किसी को। उसको लगा कि ये सारी उसी के लिए आई हैं, लेकिन उसको नहीं पता उसकी मासी बहुत चलाक है, उसे दिन में सिर्फ एक ही मिलेगी, बाकी मासी सारी छुपा के रख देगी। खाने के टाइम पे कोई दोस्ती नहीं होती है, सारी फ्रेंडशिप और सारे रिलेशन खाने के बाद होते हैं। तो इसी तरह से बच्चों के साथ मौज मस्ती करते हुए, लड़ाई झगड़ा शरारते देखते हुए पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और आज मौसम बहुत अच्छा है, तो घर वालों की फरमाइश पर मैं बनाने जा रही हूँ गोलगप्पे। ये मैंने बाहर से रेडीमेड ही परचेज करे हैं, क्योंकि जो मैं घर में मैदे से सूजी से बनाती हूँ उस पर बहुत टाइम लगता है। और इस तरह के गोलगप्पे आपको इजीली किसी भी परचून की शॉप से मिल जाएंगे, और इनको बनाना भी बहुत आसान है। बहुत कम समय में ये बहुत जल्दी ही बनकर तैयार हो जाते हैं। बस इसके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा तैयारी और चीज़ों की करनी पड़ती है, जैसे यहाँ पे बॉयल्ड चने, छोले, आलू मैश किया हुआ, यानी इसके लिए अच्छी सी फिलिंग बनाई गई है। साथ ही मैंने पानी तैयार कर लिया है। पानी मैं हमेशा खुद से ही बनाती हूँ, यानी पैकेट वाला जो मसाले वाला पानी आता है वो मैं कभी नहीं बनाती हूँ। ये पुदीने से और इमली से मैं पानी खुद ही बनाती हूँ। इन्हें बनाना भी बहुत आसान है। बस आप कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लेंगे और उसमें डालेंगे। बस आपको ध्यान रखना है, आपको एक बार में बहुत सारे नहीं डालने हैं, एक या दो डाल के, या कम से कम तीन या चार डाल के, उसे ज़्यादा नहीं डालने हैं। और उसको अच्छे से अलटना पलटना है ताकि वो चारों तरफ से अच्छे से सिक जाए, आपको एक क्रिस्पी सा गोलगप्पा मिले। तो एक बार जब आप कढ़ाई अच्छे से गर्म कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा उसको मीडियम लो फ्लेम पर कर देंगे, और उसके बाद अच्छे से उसको हिलाते हुए बनाएंगे, तो आपको बहुत बहुत बढ़िया तैयार गोलगप्पे मिलेंगे और उसका खाने का मज़ा ही अलग होगा। Such a spark of brilliance, though it's hard to part ways, I'll keep you here with me on and on we see. और इस तरह से एक ही बार में जितने आपको चाहिए आप उतने फ्राई कर लें, और इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। यहाँ पे मेरी स्टफिंग भी अच्छे से तैयार हो चुकी है, और ये खट्टा मीठा पानी
बहुत ही टेस्टी है। और इस तरह से मैं इसको फिल करके सब में दे सबको दे दूंगी और पानी भी उसके साथ ही दे दूंगी, साथ ही मीठी चटनी जो मैंने लास्ट टाइम बनाई थी उसी के साथ बहुत बहुत अच्छे टेस्ट के साथ ये गोलगप्पे तैयार हैं और अब हम सब इसको इंजॉय करेंगे। तो आपको पता ही है आजकल कैसा मौसम है, तो आपको भी बाहर से नहीं खाना चाहिए, घर में ही तैयार करें। शिवाय, शिवाय, आप क्या खा रहे हो? आइसक्रीम खा रहे हो? कैसी है? बता तो दो एक बार कैसी है। कैसी लगी शिवाय को? शिवाय को कैसी लगी आइसक्रीम? इधर देखो, इधर देखो मासी, एक बार स्माइल करके दिखाओ। थोड़ी शर्मा गया। मासी को भी खानी है आइसक्रीम। शिव, मासी को भी खानी है आइसक्रीम। मासी को भी दोगे? थोड़ी सी दोगे? जल्दी बताओ, दो मासी को। शिवाय, खाने में कोई फ्रेंडशिप नहीं है? है खाने में कोई फ्रेंडशिप नहीं है क्या?